Welcome to the world of conversations. Usually, when I conduct interviews or when I speak to people, it's mostly at the corporate level. They talk in business suits, they talk in plush chambers. But today, we are here at a place which sells idlis and dosas, and no ordinary ones. This is called Ram Bharose Bhatat Ki Idli. Started some 21 years ago in a small place in Abbots, a 2x4, that is 2 feet by 4 feet place. It has since grown then to Kachigoda, where the father and mother duo started this, aided by the two sons. And today, they have grown, they have expanded, going to Malakpet, Narayangoda, and now in Minister's Road in Secunderabad. Ladies and gentlemen, there is a science behind food. It's not always about the price, or it's not always about how they look and smell. It's the quality that matters. And Bhatrads are very proud of their idli. They say it's so fluffy that it almost is like cotton. And they change the batter, as they say, every 6 hours, they throw away the old batter. It has to stay fresh. We will discover from Ritesh Bhatrad how this family grew from a small outlet to a brand name today that proudly caters to the entire citizens of the twin cities of Hyderabad and Secunderabad. Let's start. नमस्कार, मेरा नाम रितेश भट्टड़ है। आज मैं आपको अपने राम भरोसे भंडार भट्टड़ की इडली की जर्नी के बारे में बताता हूँ, किस तरह हम लोग 21 साल से यहाँ तक आज ये पोजीशन पे पहुँचे उस बारे में आपको। एक्चुअली वी स्टार्टेड इट फॉर ब्रेड एंड बटर एंड वी वेर द फैमिली ऑफ 6 मेंबर्स एंड माई फादर रानी टू लॉसेस। तो उन्होंने अपने फैमिली को चलाने के लिए कुछ ऑप्शन नहीं था, तो उन्होंने इडली डोसा का बिज़नेस स्टार्ट किया। सवेरे हम लोग इडली डोसा बेचते थे और इवनिंग में मील्स का बिज़नेस करते थे। दिस वॉज टोटली अ होल फैमिली अफेयर। मम्मी पापा, मैं, भाई, हम चार जने स्टोर पे काम करते थे और मेरी दीदी घर में किचन संभालती थी। वी वेर वेरी स्मॉल, बट देन पापा को हेल्प करने में ज़रूरत थी तो हम लोग भी हेल्प करते थे, सब लोग मिलके काम करते थे। ये तकरीबन 10 साल तक ये बिज़नेस
पापा ने ही चलाया। शुरू के 3 साल तो मतलब घर पैसे भी नहीं बनते थे बिल्कुल भी, फिर भी हम लोग ने ये काम कंटिन्यू किया। पापा का कॉन्फिडेंस था कि आज नहीं तो कल ग्रो होंगे, एंड मम्मी ने काफ़ी ज़्यादा पापा को हेल्प किया बिज़नेस ग्रो करने में। फिर 3 साल के बाद में हमारा बिज़नेस कहीं पीक होने लग गया है और वहाँ पे अपना ब्रांड चल गया। यूजुअली शुरू में तो हमारा नाम भी नहीं था, स्टोर पे एक बैनर भी नहीं था कि क्या नाम से चलता है। इनफैक्ट वो बैनर जो सप्लायर्स आके हम लोग को कुछ भी देते थे, तो जो बिल बनाना होता था तो बिल पे नाम पता ही नहीं क्या लगाना है उनको, तो वो पूछे कि क्या नाम है आपका, तो हम बोले था हमारा नाम कुछ भी नहीं है। वो बोले कि तुम्हारा स्टोर तो राम भरोसे चल रहा है, तो हम बोले चलो ठीक है फिर इसका नाम राम भरोसे ही रख देते हैं। तो पापा ने बोला कि ये भंडार है, इसका नाम इसलिए राम भरोसे भंडार रखा है। फिर स्टिल बोर्ड भी नहीं लगा था इसका, दुकान का सिर्फ नाम दिया गया था कि राम भरोसे भंडार। फिर लोग को अपनी इडली जो एकदम सॉफ्ट होती है, वो इडली वो लोग बोलते थे ये एकदम रुई के जैसे है, मेल्टिंग इडली है, तो वो अपनी इडली को काफ़ी एंजॉय करते थे वो लोग। तो उन्होंने बोला कि अगर हमको किसी को रिकमेंड करना है ये, तो किस क्या बोले कि कहाँ पे जाना है, क्या लोकेशन पे जाना है। तो वो लोग बोले कि हम कस्टमर को बोलने लग गए वो लोग कि भट्टड़ की इडली। तो ये जैसे हम लोग का नाम सरनेम भट्टड़ है, तो वो लोग बोले कि भट्टड़ की इडली, यहाँ से इसकी जर्नी स्टार्ट हुई भट्टड़ की इडली, यहाँ से हम लोग ग्रो करना शुरू किए। ये अपना फर्स्ट ब्रांच काचीगुड़ा में कुदबीगुड़ा बोल के एक लेन है, वो लेन में एक छोटा सा मलगी था, वहाँ से स्टार्ट किया। फिर भट्टड़ की इडली ये ब्रांड ग्रो होते गया, 12 ईयर्स तक पापा मम्मी पापा ने संभाला, फिर भैया ने उनको ज्वाइन किया। उसके बाद फिर मैं अपनी पढ़ाई कर रहा था सीए की, तो मेरा सीए की सीएसीएस की पढ़ाई चलते चलते जब बिज़नेस ग्रो हो रहा था, तो फिर भैया ने बोला कि चलो बिज़नेस ज्वाइन करो। तो एनी हाउ मुझे भी फूड बिज़नेस ही ज्वाइन करना था और चेन ही बनाना था, तो मैंने भाई को ज्वाइन किया, अपना सीए का पढ़ाई आधा छोड़ के फिर यहाँ पे आया और भाई को ज्वाइन किया। उसके बाद हमने एक ब्रांच मलकपेट पे खोला, फिर उसके 4 साल बाद हमने नारायणगुड़ा पे एक ब्रांच खोला। नारायणगुड़ा का ब्रांच काफ़ी प्रीमियम लोकेशन हो गया था, वहाँ पे क्राउड और ज़्यादा आने लग गया था। कुदबीगुड़ा जो जगह था वहाँ पे काफ़ी छोटी कम जगह होने के कारण लोग नहीं आ पा रहे थे हमारे पास, तो इन नारायणगुड़ा पे लोगों को ज़्यादा स्कोप मिल गया, वहाँ से लोग हमारे पास आना शुरू कर दिए। नारायणगुड़ा होने के बाद में 2 साल के बाद में हमने एक और ब्रांच सिकंदराबाद में खोला पिछले साल अगस्त में। नाउ वी आर गोइंग टू ओपन अनदर ब्रांच इन अत्तापुर इन द मंथ ऑफ दिसंबर। सर हम टोटली फोकस करते हैं हमारे हाइजीन एंड क्वालिटी पे। हमारा जो बैटर होता है हम लोग every 6 hours को वो बैटर को चेंज करते हैं। हम लोग ये नहीं देखते हैं कि अरे वो बैटर वेस्ट हो गया, पैसा बर्बाद हो गया, बट देन हम उस पर कभी फोकस ही नहीं किए। हम लोग हर बार यही सोचे कि जब हम क्वालिटी फूड देंगे तो ही लोगों को सेटिस्फैक्शन होगा, और हेल्दी फूड ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए हम लोग 3 शिफ्ट में मॉर्निंग 6 to 12 एक बैटर होता है, 12 to 6 अगेन बैटर चेंज होता है, अगेन इवनिंग 6 to 12 फिर बैटर चेंज होता है। तो इस तरह से हमारा क्वालिटी मेंटेनेंस होता है। सो वी लर्न फ्रॉम रितेश पटेल इन हिज फ्लुएंट हिंदी एज टू हाउ द फैमिली स्टार्टेड इन अ स्मॉल वे एंड हाउ दे हैव कंसिस्टेंटली ओवर द लास्ट 2 decades मेंटेन्ड क्वालिटी एज द प्रिंसिपल फॉर्म ऑफ USP, इफ यू कैन कॉल इट, ऑफ द प्रोडक्ट। इडली, डोसास, मैसूर बाजी, दे हैव इट ऑल। But more importantly, in a food and beverage industry, one has to strike a rapport with the customer. And the Butteds have done that very well. We saw how they are growing from here and how they plan to go in the future. Thank you for watching.